भारतीय वायुसेना के प्रचार प्रसार अभियान के तहत पब्लिसिटी ड्राइव कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 खरगोन में प्रातः एवं दोपहर कालीन शिफ्ट में एयरफोर्स के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को एयरफोर्स के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार कानुड़े, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय राजेंद्र पाटीदार, क्रीड़ा निरीक्षक हबीब बेग मिर्जा, जबर सिंह मंडलोई, एनसीसी अधिकारी मुरली खोड़े उपस्थित थे। प्रातःकालीन शिफ्ट में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने वायुसेना के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं दोपहरकालीन शिफ्ट में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 एवं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के विद्यार्थियों को वायुसेना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। वायुसेना के भोपाल कार्यालय में उपस्थित अधिकारी सार्जेंट सुशांत सिंह एवं कारपोरल रोहित शर्मा ने विद्यार्थियों को भारतीय वायुसेना और अग्निवायु की जानकारी देते हुए बताया कि अधिकांश युवा भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं जा पाते हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। फिर से बोलो, क्या पूछा? हमारे देश की मतलब जैसे भारत देश में सूखा पड़ जाता है, अकाल आती है, बाढ़ आता है और बहुत सारी दुविधाएं आ जाती है, तो और जब जनहित पे आते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल हो गया या ज्वालामुखी फूट गया है, कुछ ऐसी बाढ़ वाढ़ जैसी समस्या आ जाए, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स क्या एक्शन लेती है? वो बंदा करनी होती है 1 मिनट में, वो सीटअप होती है वो 1.5 मिनट में, 10 करनी होती है और रनिंग 1.6 सेंटीमीटर में 8 मिनट। खतीजा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो बाद में खाते पीते रहेंगे। सर, रनिंग जो होती है वो 8 मिनट की होती है, उठक बैठक 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। और वो जो पीठ से उठक बैठक होती है 1 मिनट की होती है। और कौन बताएगा हाइट कितना है? ठीक है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है? और जिनके जो लोग टैटू नहीं बनवाए, टैटू मत बनाना, कभी टैटू परमिटेड नहीं होता है, ठीक है? तो टैटू वगैरह मत बनवाना। मेडिकल क्लियर हो गया, जब आप मेडिकल क्लियर कर लेंगे तब आपकी ऑल इंडिया लेवल पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, सारे स्टेट मिला के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने कितना कितना मार्क्स किया, उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन होगा। फिर जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो बच्चे जाएंगे ट्रेनिंग में, ठीक है? जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो ज्वाइन करेंगे, जाएंगे ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग जब कंप्लीट कर लेंगे आप, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बेसिस पे आप इग्नू के थ्रू, वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा इग्नू के थ्रू आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लेंगे और आप अपना ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू करेंगे और आपकी सर्विस भी चलेगी, तो आपकी पढ़ाई भी ब्रेक नहीं होगी, आपका ग्रेजुएशन भी तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये सुविधाएं मिलेंगी आपको, ग्रेजुएशन होगा उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वहीं रहिए और अदरवाइज आप अपने घर को लौट आइए, दोनों ऑप्शन आपके पास। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारा एयरफोर्स के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में, एग्जाम प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, मैंने अपनी तरफ से बताया आपको। अब आपको अगर कुछ डाउट है, कोई मन में लग रहा है कि नहीं हमें ये फिर से समझा दो, आप पूछिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।